स्टूडेंट आई एम आशुतोष सर। टुडे आई विल टीच क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स हम लोग एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और 7.4 ट्रायंगल चैप्टर का है, ठीक है। एक्सरसाइज 7.4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 7.4 का जो है 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 7.4 क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। मैं फिगर बनाता हूँ इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर। नेम इसका राइट कर देते हैं ए बी सी डी। अब जहाँ पे एंटर सेट कर रहा दोनों क्या है ओ है, क्लियर। इन फिगर इतना एंगल बी लेस देन एंगल ए, एंगल सी लेस देन एंगल डी, सो दैट ए डी लेस देन बी सी, ठीक है। तो गिवन दैट में राइट कर देना, छोटा सा ही है गिवन में, गिवन दैट क्या है एंगल बी लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी लेस देन एंगल डी, ठीक है। ये दोनों गिवन में है, तो ये दोनों गिवन में है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रूफ करना हमको क्या है, प्रूफ दैट ए डी लेस देन बी सी, ए डी लेस देन बी सी, ठीक है। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है, प्रूफ करेंगे। सिंस एंगल बी लेस देन एंगल ए, एंगल बी लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी लेस देन एंगल डी, लेस देन एंगल डी, एंगल सी लेस देन एंगल डी, ठीक है। तो एंगल बी लेस है, तो एंगल बी लेस है तो एंगल बी के सामने वाली साइड भी क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। तो देखिए एंगल बी लेस है ना, एंगल बी लेस है, ये वाला एंगल लेस है, इसका मतलब ओ ए क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। तो ये होगा ए ओ लेस देन, एंगल ए के सामने वाला क्या होगा, ग्रेटर होगा। एंगल ए ग्रेटर है तो एंगल ए के सामने वाली साइड भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। एंगल ए यहाँ है, इसके सामने क्या है, ओ बी है, ठीक है, लेस देन बी एंड, ठीक है। एंगल सी क्या है, लेस है, अगर एंगल सी लेस इसके सामने क्या है, ओ डी लेस देन, एंगल डी कहाँ है, यहाँ पे एंगल डी है तो ये क्या है, ओ सी, ठीक है। रीजन क्या दे सकते हैं, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू ग्रेटर
एंगल इज लार्जर, ठीक है, क्या होगा, लार्जर होगा, ठीक है। मतलब यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है, दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर हम इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, वन मानते हैं और इसे क्या मानते हैं, टू, तो हम दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यह दोनों लेस है, तो इन दोनों के ऐड से क्या होगा, ये लेस होगा, तो यह हो जाएगा ए ओ प्लस ओ डी, ए ओ प्लस ओ डी लेस देन बी ओ प्लस ओ सी। मतलब इन दोनों को एक साथ ऐड किए हैं और इन दोनों को एक साथ ऐड किए हैं, ठीक है। अब देखिए ए ओ में ओ डी को जोड़ेंगे, ए ओ में ओ डी को जोड़ेंगे, तो ए ओ में ओ डी को जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं। इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, ए डी लेस देन, और बी ओ में ओ सी को तो बी सी, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर का फिगर मानते हैं लोग हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर के फिगर को। तो क्वेश्चन नंबर फोर का फिगर जो है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। तो हम राइट करते हैं, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रेंटल ए बी सी डी। ए बी क्या है, ए बी, ठीक है, ए बी स्मॉलेस्ट है और सी डी क्या है, लार्जेस्ट है। मतलब ए स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट मतलब पूरे क्वाड्रेंटल में, बी सी डी में, ठीक है। सो दैट एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, क्लियर। चलिए अच्छा, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन का मतलब डायगोनल सब ज्वाइन कर देंगे, क्या ज्वाइन करेंगे, डायगोनल, मतलब इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद इसको, इसका नेम सबका दे देंगे भाई, जितने एंगल सबका नेम राइट कर देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। सबका नेम और वन क्या किया, राइट कर लिया, ठीक है। और इसमें गिवन में क्या है, गिवन में ए भी क्या है, स्मॉलेस्ट साइड है, जो सी डी है वो कौन साइड है, लार्जेस्ट साइड है, ठीक है। तो अब देखिए, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रेंटल सच दैट ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड एंड सी डी इज इस लार्जेस्ट साइड, ज्वाइन ए सी एंड बी डी। हमने ए सी और बी डी क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी है कहाँ पे, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी है ना, ए बी सी ही है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, बी सी क्या होगा, ए बी सी ग्रेटर होगा, बी सी ग्रेटर देन ए बी, बी सी ग्रेटर देन ए बी, बी सी ग्रे बी सी ए बी से बड़ा क्वेश्चन इस बात है, क्योंकि सबसे छोटी साइड है ना, ए बी क्या सबसे छोटी, मतलब इससे भी छोटी, इससे भी छोटी, इससे भी छोटी, ए बी इससे भी छोटी है, तो बी सी क्या होगा, बड़ा होगा, तो बी सी ग्रेटर देन ए बी। अगर बी सी ग्रेटर होगा तो बी सी के सामने कौन सा एंगल है, एट, बी सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल एट, एंगल एट ग्रेटर देन ए बी के सामने कौन सा एंगल है, ए बी, ए बी के सामने कौन सा एंगल है, थ्री। देखिए पहले चीज हमको शो करना है एंगल ए, क्या शो करना है, एंगल ए, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी शो करना है, ठीक ना। तो एंगल ए को लेकर चलेंगे ही, एंगल ए और सी को, तभी देखिए ये देखिए ए का है, ए का एंगल है, सी का एंगल है, सी, क्योंकि इसी से मतलब हमको एंगल एट,
ठीक है। सी डी क्या है? लार्जेस्ट साइड है। सी डी क्या है? लार्जेस्ट, ठीक है। इन ट्राइंगल ए सी डी, बहुत सारे लगा रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में सबसे बड़ी साइड कौन है? सी डी। ए सी डी में सबसे बड़ी साइड कौन है? सी डी। तो सबसे बड़ा एंगल कौन होगा? ठीक है, सेवन होगा, ठीक है। तो हम राइट कर सकते हैं सी डी ग्रेटर देन, सी डी ग्रेटर देन ए डी, सी डी ग्रेटर देन ए डी। सी डी जो है इसका होगा ग्रेटर होगा, क्योंकि सबसे बड़ा सी डी है, तो ए डी से बड़ा होगा। तो और सी डी के सामने कौन सा एंगल है? तो सी डी ये है पूरा, इसके सामने एंगल कौन सा है? सेवन। एंगल सेवन ग्रेटर देन ए डी के सामने कौन सा है? फोर, ठीक है। इसको एंगल वन मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं? एंगल टू। दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं शॉर्टकट कर दे रहा हूँ, वन प्लस टू, क्या कर देंगे दोनों को हम ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। एंगल सेवन प्लस एंगल एट ग्रेटर देन एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, और एंगल सेवन प्लस एंगल एट, तो सेवन एट को क्या लिख सकते हैं हम? एंगल ए ग्रेटर देन थ्री फोर क्या लिख सकते हैं? एंगल सी। ये हमारा एक पार्ट प्रूव हो गया, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, ठीक है। तो ए और सी का मैटर था, तो हम ए और सी के ही एंगल को लेकर चलेंगे। अब किसका मैटर है? एंगल बी और डी का, बी और डी का, ठीक है। तो इसमें बी और डी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। किस डिस्कस करेंगे? बी और डी का, ठीक है। हम लोग राइट करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, एक पार्ट हमारा प्रूव हो गया। इन ट्रायंगल ए बी डी वी है, ठीक है। तो किसको ग्रेटर दिखाना है? तो हमको ग्रेटर दिखाना है बी को, बी को ग्रेटर दिखाना है, ठीक है। तो एंगल टू क्या होगा? ग्रेटर होगा भाई। हम तो क्या लिए? ए बी डी लिया ना, एक मिनट, वो ए बी डी, ए बी डी इसको लिए हैं। तो ए साइड क्या होगी? बड़ी होगी। ए डी क्या होगा? ए डी ग्रेटर देन, ए डी ग्रेटर देन ए बी, ए डी ग्रेटर देन ए बी, ठीक है। आपको आपको देखना है, जैसे अब हमारे पास में ए बी डी है ना, ए बी डी, आपके समय कि ए बी डी में तो ए बी सेवन एट है। तो क्योंकि हमको ए और सी तो प्रूव नहीं करना कि हम इसको लेके चलेंगे, हम जब भी लेके चलेंगे तो इसको और इसको लेके चलेंगे, इसको और इसको लेके चलेंगे, ज़बरदस्ती नहीं, रूल से। तो ए डी ग्रेटर देन ए बी, अगर ए डी ग्रेटर तो ए डी के सामने वाला एंगल भी ग्रेटर होगा, इसका मतलब एंगल वन क्या होगा? ग्रेटर होगा। एंगल वन ग्रेटर देन, और ए बी क्या होगा? लेस होगा। तो ए बी के सामने कौन है? सिक्स, एक ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? बी सी डी। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी, तो बी सी डी में सी डी क्या है? ग्रेटर है। तो हम राइट कर देंगे सी डी ग्रेटर देन बी सी, सी डी ग्रेटर देन सी। तो सी डी ग्रेटर सी डी के सामने कौन है? एंगल टू है। ग्रेटर देन बी सी, बी सी के सामने क्या है? फाइव है भाई। देखिए सी डी बी सी यहाँ पे है, बी सी के सामने फाइव है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? एंगल फाइव। ये कौन सा इक्वेशन होगा? टू। दोनों को ऐड करेंगे तो हम राइट कर सकते हैं क्या? एंगल वन प्लस एंगल टू ग्रेटर देन एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स। एंगल वन और टू क्या लिख सकते हैं? एंगल बी, एंगल बी ग्रेटर देन फाइव सिक्स क्या लिख सकते हैं? एंगल डी, ठीक है। ये हमारा सेकेंड वाला पार्ट में क्या हुआ? प्रूव हुआ, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वाला क्वेश्चन कौन है? फाइव। ठीक है, तो फाइव से पहले जो है हम लोग सिक्स को सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पेज बचा हुआ है तो पेज कवर हो जाए इसमें। ठीक है, तो फाइव नेक्स्ट पेज पर हम जो है उसको उठा देंगे फाइव को। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन है, सिक्स। सिक्स में क्या सोचना, सो दैट ऑफ आल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इन द शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो शो करना है कि आर लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉइंट नॉट ऑन, जो इस पर नहीं है, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। तो जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो क्या होती है, सबसे छोटी लाइन होती है। ठीक है, जी हमारा कहने का मीन्स यह है, जैसे मान लीजिए एक लाइन है, इस पर अगर कोई पॉइंट है जो इस लाइन पर नहीं है, अगर यहाँ से कोई लाइन खींचेंगे, ठीक है, तो सबसे छोटी लाइन कौन होगी, जो परपेंडिकुलर होगी, ये सबसे शॉर्टेस्ट होगी, ये सबसे क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी। जैसे यहाँ से ये सब खींचेंगे लाइन, तो इन सब में सबसे छोटी लाइन कौन होगी, सबसे छोटी लाइन यही जो परपेंडिकुलर लाइन भी होगी। ठीक है, जैसे अब ये सब खींचते जाएंगे आप मेजर करेंगे कि सबसे छोटी है जो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, उन मतलब फिगर के कहने का मतलब ये था, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसका फिगर बनाते हैं हम लोग। PMN। ठीक है, चलिए और सॉल्व करते हैं। लेट पी बी एनी पॉइंट, लेट पी बी एनी पॉइंट नॉट ऑन द स्ट्रेट लाइन, जो मैं आपको बताया हूँ स्ट्रेट लाइन कौन है, यल है। पी एम परपेंडिकुलर यल एंड एन इज एनी पॉइंट ऑन यल अदर देन यम। यन एक दूसरा पॉइंट है जो क्या है, यम के अलावा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन ट्रायंगल, वो तो वही ये समझिए कि एक तरह की वो पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, इन ट्रायंगल PMN एंगल एम कितना है, 90 डिग्री। एंगल एम कितना है, 90 डिग्री। अगर एंगल एम 90 है, इसका मतलब एंगल एन कितना होगा, या 90 से क्या होगा, लेस होगा। 90 से क्या होगा भाई, दोनों एंगल लेस होंगे, ये भी 90 से लेस होगा, ये भी 90 से लेस होगा, दोनों 90 से क्या होंगे, लेस होंगे। एंगल एम कितना है, 90 है। ठीक है, तो और जब ये 90 हो गया, क्या हो गया 90, इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का 90 होगा। ठीक है, तो हम राइट कर सकते हैं एंगल पी प्लस एंगल एन, एंगल पी प्लस एंगल यानी वोल्ट कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल एन क्या है, 90 से लेस है। तो जब एंगल एन जो है 90 से लेस है, तो एंगल एन जो है वह यम से भी लेस होगा, एंगल एम ही तो 90 है, एंगल 90 किसकी वैल्यू, एंगल एम की तो वैल्यू है 90। ठीक है, अगर एंगल एन क्या है, लेस है, तो एंगल एन के सामने की जो लेंथ होगी क्या होगी, ठीक है, लेस होगी। तो इसके सामने कौन सा है, पी एम है, क्या है, पी एम। तो यह हो जाएगा पी एम लेस देन पी एम। ठीक है भाई, एंगल एन के सामने पी एम और एंगल एम के सामने कौन है, पी एन। ठीक है, तो पी एम क्या होगी, लेस होगी किससे, पी एन से। ठीक है, रीजन क्या देंगे, ठीक है, रीजन देंगे साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। ठीक है, हेंस हम राइट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं, हेंस पी एम इज द
शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ऑफ आर लाइन सेगमेंट फ्रॉम पी टू ए बी। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा इसको, ठीक है। अगर सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप करिएगा, फिर मैं इसका जो नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड करूँगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज, ये जो चैप्टर 7 है, ठीक है, चैप्टर 7 आपका ट्रायंगल जो है ये लास्ट हुआ। आपका नेक्स्ट चैप्टर है जो कोलेटरल, ठीक है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है, कोलेटरल।